सोनू सूद जैसे आदमी पूरे दुनिया में हो जाए ना, तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हो जाए ना, तो देश में गरीब नहीं रहता। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सरफराज आलम। वेयर आर यू फ्रॉम सरफराज आलम? से सोनू सूद सर, हमको मदद क्यों, ऐसे ही सभी गरीब को मदद करेंगे। आगे बिहार बढ़ाना है तो आगे यानी कि भ्रष्टाचारी को खत्म कीजिए। हम ज्ञान स्थली में पड़े, वो ज्ञान लेके आई है। अरे बाप रे बाप यार, आज मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 4 महीनों के बाद। अभी पढ़ लिख कर क्या बनोगे? अभी पढ़ लिख कर हम जर्नलिस्ट बनना चाहते। हमको गर्व महसूस हो रहा है कि आप गरीब का मदद करते हैं। तो अपने गांव के सरकारी स्कूल की पोल खोलने वाले वायरल रिपोर्टर, 12 साल के रिपोर्टर सरफराज इस वक्त हमारे साथ है मित्रों। जी हाँ, वही सरफराज जो गोड्डा जिले के एक छोटे से गांव में जो है पानी के बोतल और लकड़ी से रिपोर्टिंग करते थे और अपने गांव के सरकारी स्कूल की पोल खोल दिए थे और झारखंड के शिक्षा मंत्री ने खुद इनको वीडियो कॉल किया था और सोनू सूद सर ने इनका एडमिशन ज्ञान स्थली स्कूल पटना में करवाया। आज वही सरफराज लगभग 4 से 5 महीना बाद हमारे साथ है मित्रों और किस स्थिति में है इसको देख सकते हैं। पटना में इस वक्त हम लोग अल्फा सॉल्यूशन में बैठे हैं जहां पर पुराने लैपटॉप बेचे और खरीदे जाते हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सरफराज आलम। योर नेम इज मोहम्मद सरफराज आलम? हां। वेयर आर यू फ्रॉम सरफराज आलम? माय नेम इट इज माय नेटिव प्लेन झारखंड। यू आर फ्रॉम झारखंड? हां। व्हाट डू यू क्लास इन रीड? I reading in class 2. You read in class 2? Huh. Which school? Gyan Asthali High School. English medium CBSE. English medium CBSE board से. वाह, बहुत बढ़िया। सरफराज कभी अपने गांव की टूटी फूटी हिंदी और अपनी भाषा नहीं बोल पाता था, वही सरफराज आज फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। सोनू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एक गरीब परिवार के बच्चे के जीवन को बनाने का, उज्ज्वल करने का आपने सपना देखा और आज ये बच्चा पढ़ रहा है। कैसा लग रहा है स्कूल में पढ़ के? बहुत अच्छा। ये बताइए, कैसी पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अभी पढ़ लिख कर क्या बनोगे? अभी पढ़ लिख कर हम जर्नलिस्ट बनना चाहते। क्यों बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ को हटाएंगे और लोगों को, गरीब को मदद करेंगे। जैसे सोनू सूद सर हमको मदद किए, वैसे ही सभी गरीब को मदद करेंगे। हाँ, मतलब ये ईमानदारी आ गई, जैसे सोनू सूद सर सबकी मदद करते हैं वैसे बड़ा आदमी बनकर आप भी सबकी मदद कीजिएगा। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? वहाँ इंग्लिश हिंदी सब पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वहाँ पर लड़के जो बोलते हैं समझ में आता है? हाँ। अच्छा, जो है खिलाया मतलब खेलने वालने के लिए भी? खेलने वाले का पहले है और लैब है, यानी कि कंप्यूटर लैब और साइंस लैब सब है। अच्छा, सोनू सर ने आपका एडमिशन करवाया, आप रिपोर्टिंग करने का मन नहीं करता है क्या? करता है लेकिन अभी थोड़ा भूल गया हूँ। अच्छा, भूल गए हैं? हाँ। अच्छा, तो बड़ा होकर क्या बनिएगा? जर्नलिस्ट। तो कैसा पत्रकार बनिएगा? ईमानदार। ईमानदार कैसा? हाँ। ईमानदार जैसे बच्चों का कई भ्रष्टाचारी हो रहा है वहाँ खत्म करना है, और कई जैसे पुलिस वाला पैसा वसूली करता है गाड़ी का और खुद उसके नंबर प्लेट नहीं रहता है गाड़ी में, तो वो बोलता है नहीं रुकेंगे। अच्छा, नहीं रुकेंगे। ये बताइए, हमारा रिपोर्टिंग देखते हैं? हाँ, आपका देखते थे। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। वायरल सरफराज एक समय सुर्खियां बना हुआ था, यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी इनको जाना करते थे। अच्छा, आज चलिए रिपोर्टिंग फिर से कीजिए, शुरू कीजिए। माय नेम इज मोहम्मद सरफराज आलम, आई एम फ्रॉम झारखंड। मैं अभी अल्फा सॉल्यूशन में बैठा हुआ पटना में, क्योंकि ज्ञान स्थली हाई स्कूल में छुट्टी हो गया है, इसीलिए हम कल घर जाने का छुट्टी लिया डायरेक्टर सर से पूछ के, तो इसलिए होली का त्यौहार था और मेरा भी शिवरात्रि का त्यौहार था, इसलिए छुट्टी है। आज मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ 4 महीनों के बाद। रिपोर्टिंग इसलिए कर रहा हूँ कि कभी रिपोर्टिंग करना ही चाहिए। हाँ, जिसको जर्नलिस्ट बनने के लिए रिपोर्टर ही रिपोर्टिंग करना जरूरी है। इसीलिए हम अभी रवि भैया से सवाल पूछेंगे कि आप जो कई भी मजदूर का और गरीब का मदद करते हैं, तो हमको भी थोड़ा उसमें
मदद करने का मन करता है। बिल्कुल, आप बड़े हो जाइए सरफराज भाई, और हम लोग आपको शुरू से आगे बढ़ा रहे हैं, पुश कर रहे हैं। आप जिस दिन बड़े हो जाइएगा उस दिन आप बहुत आगे बढ़िएगा। और सच बात, आपके अंदर इतनी छोटे उम्र में मजदूरों की, गरीबों की, असहाय की, किसान की मदद की भावना आ गई है, तो सच में आप जरूर कर पाइएगा। काहे कि आपको अच्छी ईमानदारी शिक्षा दी जा रही है, और आपको सोनू सर ने शिक्षा देने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तो उनके पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं, उनको बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। थैंक यू। और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भ्रष्टाचारी करे उसे खत्म करना है मिलके। और जैसे गरीब का मदद करना है तो साथ मिलकर कीजिए, और आगे बिहार बढ़ाना है तो आगे यानी कि भ्रष्टाचारी को खत्म कीजिए। हाँ। और गरीब को मदद कीजिए। वाह वाह। अच्छा, सोनू सर के बारे में रिपोर्टिंग कीजिए। सोनू जी सर, आपसे बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ। कि हम ज्ञान स्थली हाई स्कूल पटना में पढ़ रहा हूँ। हाँ। कि हमको गर्व महसूस हो रहा है। हाँ। कि आप गरीब का मदद करते हैं, तो हमको भी मदद करना ही चाहिए आगे बढ़ के। हाँ। लेकिन हम अभी पढ़ रहा हूँ ज्ञान स्थली हाई स्कूल में, बहुत अच्छे से रहता हूँ, हॉस्टल में खाना पीना ठीक है, और मैं अभी अल्फा सॉल्यूशन में घर जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कल गांव जा रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए सोनू सूद सर होते तो, अगर नहीं होते तो आपको स्कूल मिल पाता क्या? नहीं, अगर सोनू सूद जैसे आदमी पूरे दुनिया में हो जाए ना। हाँ। तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में हो जाए ना। हाँ। तो देश में गरीब नहीं रहता। सच बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए किसकी वजह से आप इतना आगे तक आए हो? ये रिपोर्टिंग में 100% इनके तब्दीली आई है मित्रों, 100% बदला हुआ, किसकी वजह से? देखिए, पहली बात तो मैं रवि भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहाँ यूपी और कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ झारखंड, कहाँ गोड्डा, वहाँ जाके भैया हमको आगे बढ़ाया, और मनीष के सब भैया मिल के सबको आगे बढ़ाया, और हमको अभी अच्छा मुकाम तक पहुंचने के लिए मिला है। हाँ। अच्छा, सोनू सर के बारे में और कुछ कह दीजिए दो लाइन। सोनू सर को यही बोलता हूँ, ऐसे ही मदद करते रहे, आगे बढ़ते रहे, फिर हम भी आके मदद करेंगे, ऐसे ही आप जैसे गरीब का मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने वाले अपने टूटे फूटे माइक से रिपोर्टिंग करके सरकारी स्कूल की दिशा बदलने वाले, अपने गाँव के लिए एगो छोटा सा पुल बनवाने वाले, और बहुत सारा नाम कमाने वाले वायरल बॉय सरफराज 12 साल के इस वक्त हमारे साथ है मित्रों, और गजब की रिपोर्टिंग, कमाल की रिपोर्टिंग करते हैं सरफराज भाई। सच में मतलब समझिए कि 100% से 100% निखार आया है, परिवर्तित हो गया है। इतना निखार कहां से आ गया रिपोर्टिंग में यार? रिपोर्टिंग जैसा कि हम हिंदी बोलने सीख गए तो रिपोर्टिंग हमको मेरे हाथ में है। हाँ। और ये हम ज्ञान स्थली में पढ़े, वो ज्ञान लेके आई है। अरे बाप रे बाप यार, वाह गजब मेरे भाई, गजब, दिल खुश कर दिया। आज हम लोगों की जीत है, हम हमारे चिल्लाने की जीत है, हमारे दहाड़ने की जीत है, और सत्यता के साथ आवाज उठाने की जीत है, बिहार के लाल की जीत है। बिहार के लाल ने किया कमाल, बिहार के लाल ने किया कमाल, यही कहते थे, लेकिन आज बिहार के लाल ने सच में कमाल कर दिया। नौ आज वो लोग जो है ना अभी किसी क्या बोलते हैं उसको, गोदरेज पलंग फ्रिज में घुस गए होंगे। हाँ। जो कमेंट करते हैं कि रवि भाई चिल्ला रहे हैं। हाँ। चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ। चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ। वो लोग आज पलंग में छुप के बैठे होंगे नीचे। हाँ। जहाँ पे लोग पलंग उलंग में तकिया वगैरह रखता है ना। हाँ। वहाँ कि रवि भाई के एक पत्रकारिता से ऐसे ऐसे बच्चे सोनू सूद की वजह से जो आज ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, और कितने सारे मदद किए हैं रवि भाई, आपने क्या कहना है? आपको भी दिल से धन्यवाद। वो ऐसे इंसान है मित्रों जो उस समय पहुंचे और इस बच्चे की आर्थिक मदद भी किए और एक लैपटॉप देने का वादा किए, और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को उज्जवल भविष्य बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ था। बाकी सरफराज भाई आप हमसे जुड़े और इतनी अच्छी बातें बताएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात ये बोलना चाहता हूँ, मैं अभी स्कूल में जो पढ़ते थे मैम सब बहुत प्यार करते थे, बोलते सरफराज अभी पराब है मत जाओ कि यहीं रहो। हाँ। पराब है, लेकिन बहुत प्यार करते, लेकिन हम फिर भी आगे, कोई दिक्कत नहीं होता था स्कूल में, बहुत अच्छे से रहते। सच में? हाँ। इतना प्रेम करते हैं वहाँ के मास्टर और अध्यापिका आपसे। हाँ। सच में?
कोई दिक्कत नहीं है, कोई मन लगता है? बहुत मन लगता है। घर जाने का मन करता है कि नहीं? कभी कभी नहीं करता है, कभी कभी नहीं। मम्मी का फोन आता है कि नहीं? मम्मी कॉल आता है। क्या बोलते हो फिर? बोलते हैं जाएंगे कभी घर। अच्छा, तो अभी जाके मम्मी से मिलकर बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। अच्छा जो है, अब की बार हम भी चलेंगे तो माँ से मिलकर आएंगे। ठीक है, कि हम लोगों ने वादा किया था ना। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रवि भाई जी, हम इसको ये 1,000 रुपया भी दे रहे हैं। हाँ। ये घर जा रहे हैं, मम्मी के लिए मिठाई लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए मम्मी के लिए मिठाई लेके जाएंगे। ऐसे ही हमारे नौसाद भाई का दिल बड़ा नहीं है भाई, क्या कहें, जवान और शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। घर जाएंगे, अपने मम्मी के लिए मिठाई लेके जाएंगे। हाँ। और ये मम्मी भी इसकी बहुत खुश होगी और बहुत मेहनत करती है और इतना मेहनत मुशक्कत करके ये यहाँ तक इसको पहुँचाने में, कहीं ना कहीं माँ जो होता है सभी का, माँ तो माँ होती है। बाकी हम लोग रैंडम यहाँ पर आए थे। हम अल्फा सॉल्यूशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ। ऐसे ही मदद करते रहे। हाँ। और आगे बढ़ते रहे। लेकिन तुमको भी मदद करना है ऐसे बड़े आदमी बनके। हम सोच रहे कि कैसे भी मेरे पास भी पैसा आ जाए भी अभी मदद कर देंगे। सच में? हाँ। चलिए लाइए, हम हमारी मदद कीजिए। आप तो खुद ही मदद करते हैं। दिल जीत लिया भाई अपना छोटा सा, और सच में कमाल का सरफराज है और कमाल की इसकी रिपोर्टिंग है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, हे भगवान इसको जब भी बनाना एक ईमानदार पत्रकार बनाना, और इसकी मुराद को, इसकी फरियाद को जरूर सुनना और इसकी सारी ख्वाहिशें पूरा करना। बाकी धन्यवाद रहेगा, जय हिंद सभी को। जय।